देखिए, सहयोगी पार्टनर है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, ठीक, सब चीज़ें आपको सामने आ जाएगी, तो और हम लोग खुश है, सेटिस्फाइड है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि सभी लोग हमारे अपने हैं और मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा हमारी लीडरों को है, और जो भी नीतीश जी का और मोदी जी का फैसला होगा वो पूरे देश को, सभी हमारी पार्टी लीडरों को एक्सेप्ट। देखिए, आपको याद होगा कि आज से कोई जब सीताराम केसरी उनका पार्टी प्रेसिडेंट था, जब वो सरकार बनी थी और 1.5 साल के बाद उन्हें विड्रा किया था, आप उस पार्टी में भरोसा मत करिए, ठीक है, और क्योंकि ऐसे लोग जो है एक फ्रैक्चर मैंडेट, एक फ्रैक्चर मैंडेट उनका रहता है, तो उनके ऊपर क्या करोगे आप, एक बहुत बड़ी पार्टी है जो हमारी बीजेपी है और हमारा सहयोगी पार्टनर, हम तो कितने सालों से, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब से इनके साथ चलते आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वो तो उनके साथ जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं था, वो लोगों की बड़ी कहानियां बनी या उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने अपनी कहानियां बनाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वो बात पब्लिक में बोलना, पब्लिक डोमेन के अंदर जो मुमकिन नहीं है, तो JDU वैसा करेगा नहीं, ठीक है, 370 आपको वापस मिलना नहीं है, स्टेटहुड हमें चाहिए और स्टेटहुड हमें ज़रूर मिलेगा। नहीं, वो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान का स्टार्टिंग से रवैया रहा है, वो आज नहीं है, जब भी हमारे यहाँ देश के अंदर कोई एक अच्छा इवेंट होता है तो तब वो कुछ ना कुछ कायरानों की तरह जो बुजदली हरकत उन्होंने की, जो कल उन्होंने बच्चों को टारगेट किया, वो पहली दफ़ा नहीं है, और पाकिस्तान को जवाब मिलता भी रहा है और आगे भी मिलेगा, कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन इलाका इतना बड़ा है कि जिसको आप फरिश्ते भी लाओगे तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन हमारी जो जवान जो बैठे हैं वो उनको अच्छा जवाब दे रही है, और ऐसा जवाब दे रही है, हमने तो घर में जाकर उनको उनसे हिसाब लिया। पहलगाम में जो किलिंग हुई, उस किलिंग करने वाले को 4 दिन के बाद मार दिया गया था। सुनिए मेरी, अब जिसने कल रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो ये वाकत किया, विद इन कपल ऑफ डेज आप उनका भी हालात मिलिटेंसी देखो, मैं क्या बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हाँ, और देश, क्योंकि मैंडेट मिला है मोदी जी को, हम अपील करेंगे NDA सरकार से कि वो इसका कोई परमानेंट हल ढूंढे, कोई नहीं जाएगा, रोजगार मिलेगा, स्टेटहुड वापस मिल रहा है, ठीक है, आपके जो जेलों में बंद है बेगुनाह लोग उनको छोड़ रहे हैं, और अपना काम काज करे, इंशाल्लाह जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी, अगर बेगुनाह है तो, अगर गुनाहकार है मुझे पता नहीं, जब तक वो चार्जशीट पे पेश नहीं करते वो हमें पता नहीं चलता। UPI में UPI एक ऐसा केस है जिसमें वो सामने वाले की मर्जी है वो कब चार्जशीट, वो एक ऐसा कानून है जिस कानून को आपको चैलेंज नहीं कर सकते।